लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वीरेंद्र मेहता का नाम इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्दों को पेज वाइज कंठस्थ कर लिया। I have learned this word from the page number 881. Absolutely right again. मैं वीरेंद्र मेहता सबका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में जिसका टाइटल है ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल, यानी आप अपनी जो दिनचर्या है वो कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो दिनचर्या है, जो टाइम टेबल है, इसको तीन कर्म में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज दिव्य कर्म, देन इज सकाम कर्म, और फिर है शांति कर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिव्य कर्म की। राइट तो सबसे पहले जो है वो दिव्य कर्म है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो आपको करनी चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उठना है, 4 AM to 5 AM के बीच में सबसे सुंदर टाइम है ये उठने का। उस समय अगर आप उठते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो हायर फ्रिक्वेंसीज पे वर्क करेगा, और उठते ही आपको कॉपर कंटेनर में से जो पानी है आप इसको पिएंगे, जिससे हार्मफुल टॉक्सिन जो हैं वो आपकी बॉडी में से वो बाहर निकल जाएंगे, पूरा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज सबसे पहले आप अपने जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, जिससे आपका जो ओरा है वो प्यूरीफाई होगा। और साइंटिफिकली देखा गया है कि जो नव ग्रह, आपके जो 9 प्लैनेट्स हैं, सभी के सभी शुद्ध हो जाएंगे। ये इतना पावरफुल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जिसको आपको डेली अपने दिनचर्या में, टाइम टेबल में लेकर के आना है। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे, जो आपके लिए, माइंड के लिए और आपकी बॉडी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। देन इज अ सूर्य उपासना। देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी एज ग्रुप्स के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उन सभी व्यक्तियों के लिए जो अपनी दिनचर्या शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो सूर्य जो है वो बुद्धि का स्वामी है, और जब हम ऑफर करते हैं वाटर और वहाँ से जो किरणें जो सूर्य की हैं वो फिल्टर होके हमारे इंटेलेक्ट पे आती हैं, उससे हमारी जो तेजस्विता है, बुद्धि शक्ति है, वो बढ़ती है। नेक्स्ट इज सूर्य नमस्कार। देखिए, आज बहुत सारे योग आसन्स हैं, और सभी योग आसन्स की अगर कोई मदर है, माँ है, तो वो है सूर्य नमस्कार, जिसमें ऑटोमेटिकली सभी आसन्स, सभी योगिक क्रियाएं स्वतः ही होने लग जाती हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान, किसी भी एज ग्रुप के लोग क्यों ना हो, वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम है, कपाल भाति है, या भस्त्रिका है, बहुत सारे प्राणिक एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं, या आप मेरे और जो वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे, मेमोरी जीनियस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं बाकी प्राणायाम्स के लिए। आफ्टर देन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, श्री चक्र साधना। अगर श्री विद्या मेडिटेशन आपको करना है तो ये अर्ली मॉर्निंग सबसे बेहतर समय है आपके लिए। इस समय आप ये जो त्राटक है ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन इज मंत्र शक्ति। देखिए, मंत्र शक्ति बहुत ही पावरफुल है। अभी मैं 9 प्लैनेट्स की बात कर रहा था, आपका पूरा जो होरोस्कोप है वो चेंज हो सकता है कि अगर आप मंत्र जप करें। तो बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि सारस्वती मंत्र अगर वो जपते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन पावर और उनकी मेमोरी पावर दोनों में चमत्कारिक विकास वो हो सकता है। नेक्स्ट इज अ तिलक। आज बहुत लोग बहुत गलत समझते हैं कि तिलक करने से कुछ नहीं होता। देखिए, ये स्पिरिचुअल रीज़न नहीं है इसके पीछे, बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है। जो हमारा आज्ञा चक्र है, या जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, इसका एक्टिवेशन अगर आप चाहते हैं तो तिलक लगाने से वो जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो सकती है। तो आप यहाँ पे चंदन का तिलक अगर लगाएंगे तो बहुत ही पावरफुल रहेगा। एंगर को कंट्रोल करने में भी इसका, इस एक्सपेरिमेंट का जो यूज़ है हम करते हैं।
नेक्स्ट इज ओमकार। देखिए मंत्र शक्ति से जो ब्रह्मांड की जो सारी शक्तियां हैं वो आप में आ सकती हैं और आपका जो कनेक्शन है डायरेक्ट कॉस्मिक इंटेलिजेंस से हो सकता है। तो राइट, तो ये अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट इज ओमकार। देखिए 70,024 जो एनर्जी यूनिट है वो क्रिएट हो सकती है जस्ट बाय रिसाइटल ऑफ ओम। तो 7 times आप इसको करेंगे डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा लाइफस्टाइल बनाना है और दिनचर्या में आप इस हैबिट को इनकलकेट करेंगे। नेक्स्ट इज तुलसी। देखिए 5 तुलसी के लीव्स लेने से सबसे बड़ी औषधि आज तुलसी है और जिस घर में तुलसी है यू नो वहाँ की जो ओरा है वो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव है। तो बुधवार और रविवार को छोड़ के आप तुलसी के जो 5 लीव्स हैं वो डेली आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज उसके बाद जो ब्रेन फूड है अखरोट या बादाम, आप रात को भिगो के रख दें और सुबह अगर इसका सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी जो ब्रेन पावर है ये बढ़ती है। राइट, तो ये डेली आप लाइफस्टाइल का इसको जो हिस्सा आप बनाएंगे। नेक्स्ट इज जो आपका ब्रेकफास्ट है, आज काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, बहुत ही हेल्दी यू नो ब्रेकफास्ट आपको करना है। उस समय अगर फलों का रस या फ्रूट अगर आप लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या फिर रिच डाइट बैलेंस डाइट अगर आप मॉर्निंग में लेंगे तो वो बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज फिर जो नेक्स्ट कर्म है वो है सकाम कर्म। देखिए ये जो दिव्य कर्म था, जैसे बैटरी आप यू नो चार्ज करते हैं मोबाइल की, वैसे ही ये पूरी बॉडी माइंड एंड सोल उस दिव्य कर्म करने से चार्ज हो जाती है। उसके बाद जो कर्म बचता है सकाम कर्म, आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों नहीं है, कोई भी जॉब करते हैं तो आप ये जो अपना सकाम कर्म है पूरी एनर्जी के साथ यू नो करें। राइट, तो आप चाहे स्टूडेंट हैं प्रोफेशनल हैं, तो स्टूडेंट हैं तो पूरा यू नो मन लगा के पूरी एकाग्रता से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम इसके मिलेंगे। नेक्स्ट इज, तो मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये दिव्य कर्म करने के बाद जब मैं वर्कशॉप में जाता हूँ तो बहुत अच्छी यू नो प्रोडक्टिविटी मुझे अचीव होती है और जो बच्चे हैं वर्कशॉप में बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो अभी हाल ही में यू नो कुछ ही बच्चों को यू नो विद इन सम 2 or 3 hours में सभी कंट्री और कैपिटल्स को यू नो बच्चों ने याद कर लिया, जो कि किसी अचंभे से कम नहीं है। तो ये सुपर 50 की टीम है बच्चों की। और इसके बाद आप लंच जो है, अगेन लंच में आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। देखिए नॉन वेज सोचना ज़्यादा हार्मफुल है नॉन वेज खाने से, राइट, लेकिन आप सही में अगर डायनेमिक लाइफस्टाइल चाहते हैं तो वेजिटेरियन जो डाइट है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। या आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप हल्की सी वेजिटेरियन फूड खा के मेडिटेट कीजिए और नॉन वेज खा के मेडिटेट कीजिए, तो आप पाएंगे कि वेजिटेरियन डाइट से जो मेडिटेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेजिटेरियन फूड के लिए जाएँ। तो आफ्टर टेकिंग लंच जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिया है, बिफोर टेकिंग मील आप अपने फूड को हील कीजिए, यू नो प्रेयर कीजिए उस समय परमात्मा से कि आपका जो भोजन है वो तेजोमय हो जाए, अदरवाइज आप जो खा रहे हैं वो डेड फूड है यू नो। तो आप अपनी एनर्जी से, लाइफ फोर्स एनर्जी से अपने फूड को तेजोमय बना सकते हैं। तो ये आपकी दिनचर्या का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए और इसको आप अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट इज एक नैप। देखिए आफ्टर लंच या स्टूडेंट या किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, तो 10 मिनट की एक पावरफुल नैप ये एक योगिक क्रिया है। राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अनकॉन्शियस स्लीप लेना है, एक कॉस्मिक ब्रीदिंग करते हुए कॉस्मिक नैप लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हम थक जाते हैं यू नो बाय इवनिंग तक ऑफिस में ऐसा हाल हो जाता है कि बस अब कुछ करने को नहीं बनता, तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपको बचाएगी। नेक्स्ट इज आप गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जरूर यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अपने लेफ्ट ईयर पे, राइट ईयर पे लगाने से जो राइट ब्रेन का क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन पावर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए फ़ोन जितना क्रिएटिवली आप यूज़ करेंगे, पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे उतना बढ़िया है यू नो। ज़्यादा फ़ोन अगर आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे तो इससे जो ब्रेन का बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उसको आप यू नो बुलावा भेजेंगे। तो प्लीज़ कम से कम यूज़ कीजिए और इफ़ेक्टिव तरीके से आप गैजेट्स को यूज़ कीजिए।
नेक्स्ट इज इवनिंग वॉक। जैसे मॉर्निंग वॉक जरूरी है तो वैसे एक इवनिंग वॉक भी जरूरी है जो आपको रिफ्रेश करती है, यू नो, आपका बॉडी माइंड एंड सोल। नेक्स्ट इज आप आफ्टर इवनिंग वॉक मिल्क ले सकते हैं। अगर काउ मिल्क लेंगे तो बहुत अच्छा, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए तो इससे बढ़िया बात नहीं है, राइट। तो ये आपकी बॉडी का, आपके माइंड का जो तेज है उसको बढ़ाएगा। आफ्टर देन शांति कर्म, ये जो लास्ट कर्म है ये है शांति कर्म। देखिए यहाँ मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, बड़ों से भी, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो ये शांति कर्म आप अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी स्पेंड कीजिए, हर एक को अनकंडीशनल लव कीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप जितना भी डेली एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी आप मनी कमाते हैं, तो वो अपनी फैमिली के लिए। तो अपनी फैमिली को अगर आप यू नो प्रेम देंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, जो कि सुप्रीम पावर है, तो उसके बाद जो घर है, आपके घर का ओरा इतना यू नो पावरफुल होना चाहिए कि जैसे ही आप घर में एंटर करें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। मतलब इतना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, घर चाहे छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, लेकिन सिस्टमैटिक जो अरेंजमेंट है वो मैटर करता है, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट इज उसके बाद आप डेली एक नियम बनाएं कि एक इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी आप जरूर पढ़ेंगे। बहुत सारे महान लोग हमारे देश में हुए हैं, लाइक स्वामी विवेकानंदा, स्वामी रामतीर्थ, यू नो, और श्री हनुमान जी, या बहुत सारे श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण। तो एक बायोग्राफी आप जरूर 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 पढ़ेंगे, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और गोल्स कैसे अचीव करने हैं वो पावर आप में आएगी। यहीं एट द सेम टाइम जो बच्चे हैं वो भी शास्त्र और जो वेद है, या अपनी जो मॉडर्न आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, अपनी स्टडीज़ है, इस समय आप जरूर इसको परफॉर्म कर लें। और या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो बेस्ट टाइम है स्टडीज़ के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से। देन इज अ डिनर। देखिए जो ब्रह्मचर्य जीवन के लिए मैं अगर युवाओं की बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि वो जो डिनर है वो स्किप करें, और या फिर बहुत ही हल्का डिनर लें, यानी जैसे खीर ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, यू नो, जो कि बिल्कुल लाइट होना चाहिए, लाइक दलिया, राइट। तो जिससे जो स्वप्न दोष नामक जो बीमारियां हैं, नॉइट फॉल है, ये कभी नहीं हो सकता अगर आप ये तेजस्वी लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करेंगे तो। आफ्टर देन कुछ लोग यू नो बहुत ही बैड हैबिट है कि मूवीज़, यू नो, बॉलीवुड मूवीज़। देखिए मैं मूवीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप मूवीज़ ज़रूर देखिए, लेकिन मोटिवेशनल देखिए, जहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि नॉनसेंस मूवी देखने से आपका जो समय है वो वेस्ट होगा। लेकिन नाइट में आप कोई भी मूवी नहीं देखें, चाहे बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, वो नाइट को प्लीज़ ये जो चलचित्र हैं या मूवीज़ हैं इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो विजुअल इनपुट लेता है, और जो भी वॉयलेंस या मूवीज़ में जो इस तरह से जो दृश्य आप देखेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप स्किप कीजिए रात को ये सब कुछ देखना। देन इज हनुमान चालीसा, जो कि अपने आप में वैज्ञानिक रूप से इतना महत्वपूर्ण और इतना पावरफुल चीज़ है कि इसके जो चमत्कार हैं रियली आप गिन नहीं सकते। तो अगर रात को हनुमान चालीसा का जप करके अगर आप सोते हैं तो कभी भी भयानक स्वप्न, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बैड ड्रीम्स आता है लाइक दिस, कभी नहीं आएगा। पूरी रात आपकी यू नो पूजा में कन्वर्ट हो जाएगी, जप में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, राइट। और इसके साथ साथ 10 या 10:15 से पहले पहले आप नियम बनाइए, आपको सोना है, और योग निद्रा करते हुए अगर आप सोएंगे तो आप बहुत बहुत यू नो पावरफुल आपका लाइफस्टाइल बनेगा, और बहुत सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी, राइट। तो इसके साथ साथ ये बुक भी है जो आपकी हेल्प कर सकता है माइंड पावर बढ़ाने के लिए, तो इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। आफ्टर देन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कनेक्ट हो सकते हैं पर्सनली फॉर एनी क्वेरी। और इस यूट्यूब वीडियो को आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, इसी से जो मेरा मनोबल है बढ़ेगा और ऐसे पावरफुल वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, राइट। तो इसके साथ हैव ए ग्रेट डे, भारत माता की जय।